फीचर्स हर किट में कंसिस्टेंट होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आई वुड टेक एवरी पीस आउट एंड शो इट टू यू. अगर ना देख रहा हो प्लीज रेज योर हैंड एंड पॉइंट इट आउट. तो दिस इज अ हेक्स ड्राइवर लाइक दिस. व्हेन यू हैव कॉर्ड ये बट यहां पे देखो ये रेंच है. दिस इज द रेंच. और रेंच पे दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं. एक इसका ये जब भी रेंच यूज करते हैं तो यू हैव टू टाइटन दिस स्क्रू. अच्छे से टाइट स्क्रू करना होगा. और यहाँ पे ग्रेडिंग लिखी हुई है सी पे. कितना न्यूटन को प्रेशर लगाओगे. जब मैं प्रेशर लगाऊंगा तो ये देखो ये जो ग्रेडिंग है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. This is advisable and recommended by respective companies. और वो कैसे चेक करते हैं? तो जब बेंच उठाते हैं तो दो तीन चीजें चेक करनी होती है. नंबर वन दिस इज ट्रू. नंबर टू ये जो लीवर है देखो यू नीड टू मेक श्योर दैट लीवर इज नाइसली सीटेड. इफ इट्स नॉट सीटेड इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. तो बेंच में ये स्क्रू दिस लीवर एंड नंबर थ्री जब तुम ये करोगे यू नीड टू चेक हाउ मच न्यूटन यू आर गोइंग टू अप्लाई द फोर्स. और ये हमारा टॉर्क रेंच है और ये हेक्स ड्राइवर है व्हिच फिट्स लाइक दिस. दिस इज द ड्रिल एक्सटेंशन. जब आप मैंडिबल पे काम करते हैं या मैक्सिलर पे काम करते हैं लेट मी वेयर द ग्लास. This is the handpiece. Then the handpiece. Handpiece पे लिखा हुआ है 20:1. 20:1 का टॉर्क है. दिख रहा है? तो 20:1 लिखा हुआ है handpiece पे. तो implant जो सेटिंग्स हैं जब हम इम्प्लांट पे काम करते हैं नॉर्मली द स्पीड इज बिटवीन 800 to 1500 आरपीएम एंड 35 न्यूटन सेंटीमीटर. तो जब आप इसको टॉर्क सेट करते हैं तो वो 35:40 होता है. 20:1 का टॉर्क सेट किया हुआ है एंड आरपीएम बिटवीन 800 to 1500 आरपीएम. ये जो मैंने मेजर दिखा रहा है. अच्छा ओके. सो द फर्स्ट ड्रिल इज द लिंगमेंट और द लैंस ड्रिल कहलाती है. द पॉइंटर क्योंकि जो बोन होती है इज वेरी स्लिपरी. तो व्हाट यू डू यू पुश दिस बटन प्लेस दिस बिट ड्रिल बिट और हल्का सा इसको विगल करते हैं एंड एक्सपोज इन एंड देन यू चेक इट्स लॉक्ड इन. व्हेन यू हैव टू रिमूव प्रेस द बटन अगेन जस्ट टेक इट. ड्रिल को पकड़ने का तरीका क्या है? नेवर होल्ड द टिप ऑफ द ड्रिल. Never. What you do, you always hold it from the base like this. This should be a habit. So आपने ये push button को press किया, drill bit अंदर डाली और हल्का सा wiggle किया, slip sense, check किया कि lock हो गई and then you start the drill. अगर आपकी drill bit for example साथ वाले teeth हैं और ये obstruction and to the adjacent tooth. So what you do, you add
this extension. This is called the drill extension. ये क्या है अंदर? और मैं वही वाली बिट ली. Now I can use this bit. And it fits in. So this is the drill extension. Drill extension. Laser marks हुए हैं तो आपको you already know कि मुझे इस depth में अंदर जाना है and this is your length of the implant. आपने second drill ये use कर ली and these are the drill bits, the twist drills जो कराते हैं. So you have established the length. First ये 10 millimeter में हम काम कर रहे हैं. तो अब आपके 10 millimeter की drill थी. And now we need to increase the bit. Agar main isme likhaun, this is 2.2, this is 3.5, this is 4, this is 4.5 and 5. Color coded bhi hai. Agar implant aapka blue color ka hai to aapki last drill ye wali hai. Agar aapka 5 millimeter wali diameter ka implant aap istemal kar rahe hain, then the it's a red color implant. Jab aap implant kholenge to uska box red color ka hoga, uska kuch na kuch cheez red color ki hogi. Agar aap 4 millimeter diameter ka implant istemal kar rahe hain to green coded hoga. To aapki last drill would be this for 4 millimeter. 4.5 ke liye blue and 5 ke liye red. अब मैंने इम्प्लांट फर्स्ट कलर पे हमने इम्प्लांट यूज करना है 4 मिलीमीटर का. तो मैं पहले ये ड्रिल इस्तेमाल करूंगा. आई विल गो अप एंड डाउन सेकंड मैं ये करूंगा अप एंड डाउन. मैं भी करके भी दिखाऊंगा एंड फिर ये फाइनली ड्रिल हो. अगेन आई एम होल्डिंग इट फ्रॉम द बेस. I am not holding it from the tip. Wiggle in, checking, locked, up and down, and then implant case ke dekho ki the fixture ka hai. Okay, so these are अब implant के को hold कर रहे हैं हमने. Implant is also called a fixture. तो fixture के दो drivers आते हैं. एक होता है wrench driver, एक होता है engine driver. Engine driver वो होता है जो आपके contra-angle में fix हो जाता है. And you can lift the fixture with this. That's called an engine-driven fixture driver. और एक ये होगा जो मेरे wrench में fix हो जाएगा. Again, this is to hold the fixture. तो ये रेंच ड्राइवर है टू होल्ड द फिक्स्चर एंड दिस इज द इंजन ड्राइवर. अगर देखो तो इसमें दो साइजेस दिए हुए हैं. इंजन ड्रिवन के दो साइजेस दिए हुए हैं. फिक्स्चर के रेंच ड्रिवन के दो साइजेस दिए हैं. दो साइजेस दिए हैं. व्हाई टू साइजेस? अगर किसी की माउथ ओपनिंग लिमिटेड है तो यू कैन स्मॉलर फिक्स्चर. तो ये वाली ये बात हो गई. अच्छा अब शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट. सो दिस इज
The mandible we have will open the surgical kit. सर्जिकल ब्लेड जब ओपन करते हैं तो उसका एक साइड इज टू ओपन यू नीड टू होल्ड इट लाइक दिस एंड जस्ट पुट व्हेन यू स्टार्ट सीइंग द ब्लेड यू जस्ट नीड टू स्टॉप यू शुड नॉट ओपन इट कंप्लीटली एंड देन इसको फोल्ड करते हैं इतना कि ये पूरा स्लीव आपको दिखे नॉट द ब्लेड बट दिस होल शुड बी विजिबल कंप्लीटली तो सी This hole is visible completely and I am holding the blade. अब मैंने इसका ब्लेड का हैंडल लिया सबसे पहले इसको मैच करते हैं This looks like this. तो मैंने क्या करना है इसको किया एंड आई एम गोइंग टू स्लाइड इफ आई कैन फॉर सम रीजन Yes. And then I just took it out. कौन सा वाला ब्लेड है? 12. So this is a soft tissue. Reflecting, I need to make an incision of the one. Reflect the flap, and then do the osteotomy. Now imagine we are going to work in the molar region. यहाँ पे कहीं आईटी ना होगी मुझे उसका ख्याल है मेरे जहन में मेंटली आई हैव टेकन अ रेडियोग्राफ कोई मुझसे पूछ रहा था तो वी हैव गॉट ओपीजीज एज वेल अगर किसी को डिस्कस करना हो कि कैसे लेंथ एस्टैब्लिश करते हैं तो वी कैन डिस्कस दैट एज वेल लेकिन अब बहुत सारे सर्जन्स कहते हैं मिड क्रेस्टल इंसिजन नहीं करते ट्रेडिशनली मिड क्रेस्टल इंसिजन हम लोग लगाते हैं बट नाउडेज पीपल आर सेइंग कि वी शुड नॉट प्लेस अ मिड क्रेस्टल इंसिजन और उसका रीजन क्या है इमेजिन करो कि अगर मैं मिड क्रेस्ट पे इंसिजन लगाऊंगा तो मुझे एक फ्लैप बकली उठाना पड़ेगा और एक फ्लैप लिंगुली उठाना पड़ेगा अगर मैं अपना incision for example pura lingual side pe rakhe to mujhe sirf kya karna padega I would have to reflect only one flap then I would not have to have two instruments in the mouth one on the lingual side and one on the buccal side so you can give only one flap so main filhal crest pe rahunga but on the lingual side I am not going to go on the lingual side because agar lingual pe chala gaya to kya problem hai You may damage the lingual nerve, which I do not want. The safest area is the crest. Either traditionally we used to give on the mid crest, but you can give the incision towards the lingual side of the crest. So I am using the crest, but on the lingual side. So if you look, this crest is here. This is the buccal side, and this is the lingual side. What I am doing, number one, My blade is perpendicular to the gums.
So I am perpendicular to the ground. And I can feel the bone, like I am drawing a line on the bone. Firm, continuous pressure. Firm, continuous pressure. So I am feeling the bone on the limbal side of the crest. Of the crest. And then, main isko buckle lekar aa. I'm feeling the bone all the time. So I made 3 incisions. One on this, second here, and third here. Okay? Then we need to pick the periosteal elevator. So periosteal elevator uthane reflex nahi karna hai. Kya karna hai sir? जो आपने इंसिशन दिया है उस पे रन करना है आपने. एंड यू नीड टू फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, वन एंड टू द अदर एंड, 2 to 3 टाइम्स, वन एंड टू द अदर. ये वाला इंसिशन किया आपने, ये वाला इंसिशन किया, एंड वी डिड दिस इंसिशन. तो व्हाट इट डज, it frees and cuts all the attachment which you did not cut properly. So now I am going to use and will reflect this plan. So now I have to deal with one flap only. अगर मैं mid crest पे करता तो क्या करना पड़ता? दो flap होते, एक on the lingual side होता, एक on the buccal side. So now I am holding this. और मैं अपनी पहली drill इस्तेमाल करने लगा. So I am going to use the Lindman's, the Lance drill. Holding from the base, pushing the button, wiggling it in, and checking the lock. So it's locked. Put this on the top. Now, here you have your assistant control. When you have angulation, this is called a free hand technique. This is called a free hand technique. एक तो होता है कि आप कोई surgical stent बनवाते हैं, आप लैब भेजते हैं इंप्रेशन को, आप कोई सर्जिकल स्टेंट बना के भेजते हैं, उस स्टेंट में होल्स बने हुए होते हैं, एंड यू जस्ट हैव टू ड्रिल इन दैट होल. बट नॉर्मली इन द क्लिनिक्स दिस इज कॉल्ड अ फ्री हैंड टेक्निक, जिसमें एंगुलेशन एंटीरियर पोस्टीरियर एंड बक्को लिंगुअल एंगुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपका असिस्टेंट एक एंगुलेशन चेक करेगा और आप एक एंगुलेशन चेक करोगे. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम वर्किंग ऑन दिस साइड, मुझे कौन सी एंगुलेशन आसान है यहां से देखना? एंटीरियर पोस्टीरियर. तो मैं अपने असिस्टेंट से कहूंगा कि आई एम गोइंग टू लुक आफ्टर एंटीरियर पोस्टीरियर और तुम बक्को लिंगुअल एंगुलेशन चेक करो. क्योंकि दिस इज एडेंटुलस, अगर साथ में टीथ होगा तो मैं एंगल चेक कर रहा हूँ विद द एडजेसेंट टूथ. देखो मैं एंगल चेक कर रहा हूँ विद द एडजेसेंट टूथ. इसी तरह जो असिस्टेंट होगा वो इधर से खड़ा हुआ है ऑन द अदर साइड ऑफ द पेशेंट, एंड द असिस्टेंट और द डॉक्टर हूएवर द टीम मेंबर यू हैव इज गोइंग टू गाइड यू कि नहीं सर आप जो ड्रिल है थोड़ी सी आगे कर लें, थोड़ी सी पीछे कर लें, थोड़ी सी आप इस तरह कर लें. The optimum placement would help you in giving an ideal prosthesis. जब आपकी angulation out होती है, तो आपको compensate कब करना पड़ेगा? Prosthetic component में करना पड़ेगा. जब आप selection of abutment करेंगे, तो आपको angular abutment करना पड़ेगा, lab वाले को केड़ा क्या बनाना पड़ेगा, because they have to
compensate your angulation of the placement of the implant. So we want apni tarah se the ideal placement aur wo team work se hona hai. So aapne ek angle ka cover karni hai aur aapke assessment mein dusri angulation cover karni hai. Okay. So you have to spot on the crest of the angular ridge from the crest of तो शुरू करने से पहले ऑलवेज मेक श्योर योर ड्रिल इज वर्किंग. आप अपने कॉलीग से कह रहे हैं कि चला के दिखाओ मुझे जरा. आपने चेक कर लिया कि इसमें दो तरह की मूवमेंट होती है, एक फॉरवर्ड मूवमेंट होती है, एक रिवर्स मूवमेंट होती है. तो इसमें एक बटन दिया हुआ होता है जो कि फॉरवर्ड मूवमेंट का होता है, और अगर इम्प्लांट को निकालना है तो कौन सी होती है? रिवर्स. तो यू नीड टू मेक श्योर कि दिस इज इन द फॉरवर्ड मोड. तो आपने ये चेक कर लिया, यू वांट टू मेक श्योर द स्पीड, द टॉर्क एंड द सेटिंग इज राइट. तो हमने चेक कर लिया ये 900 पे है, 20:1 पे है, न्यूटन ठीक है. तो जब आप ड्रिल इस्तेमाल करते हैं इट कॉजेस लॉट ऑफ फ्रिक्शन एंड हीट, तो क्या होना चाहिए? लॉट ऑफ इरिगेशन. कुछ लोग एडवाइस करते हैं कि आप अपनी इरिगेशन को कहाँ रखें? Refrigerator, fridge, to make it more cooler so that it decreases the heat dissipation at the time of the surgery, which is not necessary. But if you want to do it, you can. हम लोग नहीं करते हैं और हम तो ऐसे फर्क नहीं पड़ता भी है हम. लेकिन but some people do it and still you can do it. Okay. So the first drill, yeah. तो देखो मैंने प्रेस पे रखा और बहुत लाइट प्रेशर से आई एम गोइंग इन. जब अंदर गया तो फिर देन आई विल कम आउट, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन स्टॉप. ये मैं अगर लेजर मारती इसमें तभी तुम्हें नजर आती है. एक लेजर मार्किंग ब्रॉड ब्लैक बैंड है. नॉर्मली द ब्लैक बैंड जो इसमें दिख रहा होता है उसका जो लोअर एंड होता है 10 मिलीमीटर पे होता है. तो ये जो ब्लैक बैंड हैं ये जो है 10 मिलीमीटर पे है. तो मैंने अगर 10 मिलीमीटर का इम्प्लांट करना है या अब मैं 10 मिलीमीटर पे रुक गया. स्टॉप. डज इट मैटर इफ यू हैव डन ड्रिलिंग 11 मिलीमीटर. आपने लगाना 10 मिलीमीटर है लेकिन आपसे ड्रिलिंग 11 मिलीमीटर की हो गई है, आपसे ड्रिलिंग 12 मिलीमीटर की हो गई है. तो व्हाट शुड वी डू? अगर आपसे ड्रिलिंग ज्यादा हो गई तो क्या करें? इसका मतलब है डोंट वरी, एज लॉन्ग एज यू हैव नॉट डैमेज्ड अ वाइटल स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल अ नर्व, देन यू डोंट नीड टू वरी. दिस इवेंचुअली लाइक एन एक्सट्रैक्शन, लाइक अ सॉकेट, इवेंचुअली वुड हील. तो लेकिन जब सेकंड ड्रिल आप करेंगे तो मेक श्योर यू शुड नॉट गो टू द 12 मिलीमीटर डेप्थ, क्योंकि नीचे अब एक होल बन गया होगा तो सेकंड ड्रिल आसानी से नीचे चली जाएगी. तो उसके लिए इस सिस्टम में इन्होंने स्टॉपर्स बनाए हैं. The stoppers goes in and fits. देखो, ये stopper different size of stoppers हैं इसमें. ये क्या? अब ये जैसे 10 मिलीमीटर से ज़्यादा आप जाएंगे, if you're not confident और आपके यार मैं drill करूँगा ऐसा ना हो उससे ज़्यादा depth में चला जाए, तो आपने ये stopper लगाया. लॉक हो गया. अब मेरी ड्रिल 10 से ज्यादा नीचे जाएगी. व्हाट एवर आई डू आई कांट गो बियॉन्ड 10. सो दिस इज टू मेक श्योर यू आर नॉट गोइंग टू ड्रिल बियॉन्ड अ सर्टेन डेप्थ
मैंने पहली ड्रिल कर ली. Now I'm going to use the limits to the second drill. अब मैंने लेंथ नहीं बढ़ानी है, उसी लेंथ की विड्थ बढ़ानी है. तो the posterior to be sides. Up and down. Up. Now I'm increasing the diameter only. I'm increasing the diameter only. My black band is going inside the bone. I'm not going deep. Just making sure. And it comes out. Stop. This is my second drill. अब मेरी जो ट्विस्ट ड्रिल है, दिस इज 2.2. मैंने 4 मिलीमीटर का इम्प्लांट लगाना है. अगेन मैंने बेस से पकड़ा, प्रेस, ट्विस्ट, मेक श्योर दैट इट्स लॉक्ड इन. ओके, सेम एंगुलेशन, हाथ बिल्कुल वैसे ही रखना है. ये जो फ्री हैंड कहते हैं इसको, विदाउट स्टैंड. फ्री हैंड का प्रॉब्लम क्या है? फ्री हैंड यू वुड ऑलवेज टेक अ फल्क्रम. जैसे मैंने अपने हाथ की एक फिंगर ना रखी किसी जगह सपोर्ट के लिए, बिकॉज इज अ डेंटिस्ट दिस इज आवर हैबिट. तो जब आप यू करके रखते हैं, जब आप फ्री हैंड इस्तेमाल करते हैं, तो आपका हाथ क्या करता है, हल्का सा शिफ्ट हो जाता है towards the fulcrum, and that is a problem. Implant placement में angulation कैसे change होती है? जब आप fulcrum देते हैं किसी जगह से, तो मैंने ये रखा और मेरा हाथ हल्का सा towards the angle changes because of my finger. तो कुछ लोग क्या कहते हैं, do not place your finger on the mandible, then it becomes difficult. क्योंकि अब आपने कैसे करना, यू करके काम करना. तो अगर मैं फिंगर फल्क्रम नहीं रख रहा हूं, आई एम फाइंडिंग इट डिफिकल्ट बिकॉज आई एम नॉट यूज टू इट. एज लॉन्ग एज यू आर अवेयर, बट व्हेन यू आर यूजिंग अ फल्क्रम, योर हैंड वुड शिफ्ट अ लिटिल बिट. तो आपका असिस्टेंट को यू नीड टू बी अवेयर टू काउंटर दैट फाइनल मूवमेंट इन योर हैंड. Whenever that movement occurs, you consciously have to undo it, or your assistant has to tell you कि नहीं सर आपने ऐसे कर दिया, आपने हाथ दोबारा वापस पोजीशन पे. And then I'm going to use the final drill, जो कि green है, 4-0 की. Yeah. I'm not sure in the size of the implant ye kaun se, I'm assuming that this is 4 implant. Ye fixture hai, ye aise to nahi aata kisi box hai tumhare paas, nahi. So implant normally, because it's a sterile, it comes in a box. So box aise hota hai ki jab aap usko open karte hain, to only this opening of the fixture you can see. इसमें क्या करते हैं हम, ये ड्राइवर लिया आपने, ये इंगेज किया. अगर यू आर यूजिंग अ रेंच व्हिच आई नॉर्मली लाइक, यू टेक दिस लाइक दिस, एंड द मोमेंट यू टेक इट आउट, यू हैव टू कीप इम्प्लांट लाइक दिस. इम्प्लांट को कभी भी निकाल के यू नहीं करते, बिकॉज इट मे स्लिप. तो व्हाट यू डू व्हेन यू टेक इट आउट फॉर अ वॉक्स, you keep one your index finger underneath the implant, and it should be upside down, upside up, not down. It should be like this. You should never keep your implant like this. Sometimes, if you haven't held it nicely, it may fall. और immediate fall किसको तेल से भरना पड़ेगा? Dentist. कौन देगा पैसे? Dentist. Dentist देना पड़ेगा. तो जब आप निकालते हैं तो शुड बी लाइक दिस, और फिर आप असिस्टेंट को बताते हैं डू नॉट मूव.
रिट्रैक्शन बहुत अच्छे से रखो, पेशेंट से कहते हैं हिलना नहीं है, because you are taking, you are going to take this implant from outside to the inside of patient's mouth. Nothing should move. The tongue, the cheek, the patient's mouth should not move. How many are here? And I am bringing it close to the patient. I am telling the assistant, do not move. And then when I came close to the patient, I should not, my implant should not touch the adjacent teeth. It is very common. जब आप इसको यू करके लेकर आते हैं, it touches the adjacent tooth. It should not. It would get contaminated. So what you do when you come close, you have to do like this and then engage. जब इंगेज करनी है तो एक इंडेक्स फिंगर ऊपर रखनी होती है, बहुत टाइटली, जस्ट टू स्टेबलाइज इट एंड देन स्लो टर्न्स. जब आप स्लो टर्न करते हैं, जब आप स्लो टर्न करते हैं तो बोन आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड होती है. जितना स्लो एक्सपेंशन ऑफ द बोन होगी, क्योंकि आपने क्या किया है, इसका जो डायमीटर है ना, फाइनल रिब का जो डायमीटर है वो थोड़ा सा छोटा होगा देन द डायमीटर ऑफ द इम्प्लांट. तो मेरे इम्प्लांट क्या करेगा, दिस इज सेल्फ टैपिंग, व्हिच मींस इज गोइंग टू मेक इट्स ओन जर्नी इनसाइड द बोन. इट्स गोइंग टू कट द बोन. द फ्लूस ऑफ दिस fixture is going to make the cuts inside the bone. What I am doing now, agar main se kar raha hu, now I can feel the torque. Ab dekho ye wala jo hai torque badhta ja raha hai. Insertion torque should not be more than 40 newtons. Ab ye nahi ja raha. I'm getting very tight. एक अपने हमारे डॉक्टर जी वेरी गुड डेंटिस्ट एंड जी कॉल्ड मी वंस कि मैं आई एम प्लेसिंग एन इम्प्लांट और इम्प्लांट फंस के आधा अंदर है आधा बाहर है लाइक दिस. अब मैं क्या करूँ, इट्स नॉट आई कांट पुश द इम्प्लांट इन, इट्स नॉट गोइंग इन. इतना टाइट हो गया है कि मैं प्रेशर भी लगा दूँ, इट्स नॉट गोइंग इन. तो क्या करना होता है, तो क्या करना होता है, दो जोड़ी ओपन करनी है वापस एंड देन फॉरवर्ड. फिर वो टाइट, फिर गो बैक अगेन. फिर वो टाइट and you just keep doing it. So thread by thread, it will keep going in. Because it's a self-tapping implant, और ये ऐसा क्यों हुआ है? Why this happened? हालांकि हमने तो final will इस्तेमाल की. Debris जो होगा bone का. नहीं, दोबारा बोलो, क्यों की, क्यों हुआ ऐसा? Bone debris की वजह से irrigation proper नहीं हुई. Bone debris? Bone debris. साथ में लगा होगा bone. नहीं, उससे कहीं जाएगा क्यों नहीं, जाने में मसला होगा उसको. एंगुलेशन, जिस डायरेक्शन में आपने होल बनाया उसी पे तो जा रहा है. और कंपनी ने हमें एक फाइनल ड्रिल दी भी है. फॉर एग्जाम्पल, इफ द इम्प्लांट इज 4 मिलीमीटर तो ड्रिल होगी 3.8, 3.9. जरा सी कम होती है द फाइनल ड्रिल. और क्या रीजन, यस,
मैं जरा इसको फाइनल बस कर दूं थोड़ा सा, मैं देखो कि मुझे रिवर्स करना है, ये जो बार है जब मुझे रिवर्स करना है, आई एम डूइंग इट लाइक दिस व्हेन आई एम टेकिंग द इम्प्लांट आउट. So now the implant is completely in, but I found it very difficult to place the implant completely inside the bone. Why? अगर आपकी bone is dense, तो ये जो drills बनी हुई हैं, these drills generally are meant for D3 and D2. But if you would get D1, तो ये जो थोड़ा सा कम drilling होती है, ये आपके flutes उसको tight नहीं कर सकते. उसके लिए क्या होता है, एक स्पेशल ड्रिल होती है. इसमें एक स्पेशल ड्रिल इसके है, तो इन्होंने क्या किया है, देखो इस पे लिखा हुआ है द कॉर्टिकल ड्रिल. सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कहां से आएगी, द कॉर्टेक्स से. तो ये क्या करेगा, यू जस्ट हैव टू ओपन द कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स कितनी डेप्थ होती है उसकी, 2 मिलीमीटर, 2.5 मिलीमीटर. तो इन्होंने छोटी सी ड्रिल दी है. तो अगर आपको इतना टाइट, मुझे जब सेकंड इम्प्लांट मुझे लगाना है, तो व्हाट आई वुड डू आफ्टर द फाइनल ड्रिल, आई वुड यूज द कॉर्टिकल ड्रिल. और मैं सिर्फ फाइनल ड्रिल के बाद ये कॉर्टिकल ड्रिल इस्तेमाल करूंगा, एंड दैट शुड बी सफिशिएंट. और क्या क्या चीजें इस ड्रिल में देखते हैं, देखो parallel pin. Now मुझे I have to place another implant, for example. तो मैं क्या करूँगा, I will take this out. अब मुझे अगर साथ वाला implant लगाना है, तो to make it parallel to this implant, when I'm going to use the drill, now I know कि मुझे किस एंगल पे इम्प्लांट लगाना है, पता चल जाएगा कि नहीं. यस, सो दिस वुड बी वेरी हेल्पफुल. और इस पे बात करते हैं, आई थिंक बस अब स्टार्ट करना चाहिए, इनको लगाना चाहिए, शुरू करें. देखो ये पिक्चर का वो ड्राइवर है, मुझे दिखा है. जब एक दफा आपने फिक्स कर लगा दिया, अच्छा देखो इस इम्प्लांट का जो इसके साथ कवर स्क्रू है, मैंने फिक्स्चर लगा दिया, देन आई नीड टू टेक इट आउट अगेन अपसाइड डाउन, ओपन किया. To stabilize the needle holder, you need to be one
thumb on this and middle finger here. I'm holding and I'm stabilizing it like this. Now you have got two ends, one the reflected end and the other the attached end. So you always take the reflected end first. And the tip of the needle would go perpendicular to the reflected end. Perpendicular. So this tip perpendicular to the reflected end, away from the margin. Away from the margin, the reflected end, deep in, and then rotate and rotate. No pulling, pushing, just rotate. Open this and gently rotate. Again, just simply rotate. Now you would ask your assistant to retract the thumb. Thumb retracted in the bar. You would go in again. Away from the edge. Deep in. And just rotate. No pulling, pushing. No pulling, pushing. Just rotate. Just hold your mat. मुझे बहुत शौक है कि मैं हैंड्स नॉट ज्यादा करता हूँ, तुम लोग उसे करते हो, मुझे बस इस तरह का शौक। तो हम लोग जब हैंड नॉट करते हैं तो अपने असिस्टेंट से कॉल नॉट को होल्ड कर, सो समबडी हैज टू स्टेबलाइज द नॉट, डू नॉट पुट टू मच, लेकिन जब भी नॉट लगाओ तो थोड़ी देर उस पर प्रेशर रखो। सो व्हाट इट डज, इट स्क्वीजेस द टिश्यू और फिर टिश्यू आहिस्ता आहिस्ता सेट होना शुरू होता है। गिव देम टाइम, जैसे शादी के बाद टाइम देते सेट होने के लिए वक्त चाहिए होता है, इसी तरह जब प्रेशर लगाते ना तो लेट इट सेटल डाउन, सेटल हो गया एंड देन गो बैक अगेन। जब सेकंड नॉट लग जाती है फिर इट डजंट अनडू एंड देन यू गो बैक अगेन। लेकिन अगर तुम्हें इसको किससे करना है फर्स्ट कर लो, तो डबल नॉट एंड अगेन कीप अप्लाइंग हमेशा परेशान ना, थोड़ी देर लगा के छोड़ दें। लोग करेंगे इसी तरह
अगर किसी ने ओपीजी में कुछ पूछना है तो ओपीजी हमारे पास यहाँ पर है, यू कैन आस्क मी इफ यू वांट टू. सर इन केस ऑफ इम्प्लांट फेलियर हम यही ड्रिल्स यूज करेंगे उसके रिट्रीव करने के लिए. इम्प्लांट फेलियर हम यही ड्रिल्स यूज करेंगे उसको रिट्रीव करने के लिए इम्प्लांट को. इम्प्लांट फेल हो गया? यस सर. सर एक पेशेंट आया आफ्टर 4 मंथ्स, हैवी स्मोकर है, डायबिटिक पेशेंट है और उसको ऑस्टियो इंटीग्रेशन नहीं हुई है और पेन है उसका, इनके फेलियर में चला गया इम्प्लांट. अब हम यही ड्रिल्स यूज करेंगे फॉर द रिट्रीवल या किस तरह से उसको टेक इट आउट? हमें पता है कि गम्स हील्स फास्टर देन द बोन. द
gum starts healing from next day and bone would take few weeks to get those osteoblasts in the bone graft. तो फिर क्या करते हैं, एक मेम्ब्रेन लगाते हैं। अब कुछ लोगों का ख्याल है कि इस मेम्ब्रेन के ऊपर भी क्या लगा दें, क्या लगा दें? जो बी आर एफ आपने बोन के साथ मिक्स किया उसकी मेम्ब्रेन बना लें, उसको एक चपटा सा शक्ल दे दें उसको, और इस मेम्ब्रेन के ऊपर रख के गम को स्टिच करें। व्हाट इट डज, इट गिव्स ग्रोथ फैक्टर्स। वो जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो स्टिमुलेट हीलिंग टू द पेशेंट एंड नॉर्मली दिस वुड कॉज सॉकेट प्रेजेंटेशन। दिस इज कॉल्ड सॉकेट प्रेजेंटेशन। थैंक यू सर। Now imagine I have taken a tooth out from here. This is central incisor. यहाँ पर थोड़ी bone है मुझे और यहाँ पर bone है। This is palatal bone and this is buccal bone. एक तरीका तो ये है कि बस मैं drill करूँ और implant को मैं यहाँ लगा। So I'm using the same socket, but then the concept which has changed now, you have to create your own socket. Forget about the socket. So ab kya concept hai? Ab main jab drill karunga, to main drill yahan pe karunga, aur main apna socket aur apna implant use karne laga. I'm not placing the implant in the old socket. For example, I am working the mandible. For example, I am working the mandible. Mera tooth angulation pe tha. मैंने ये टूथ निकाल दिया। सो नाउ आई हैव एक्सट्रैक्टेड दिस टूथ। मेरा सॉकेट कैसा है? इस तरह है। लेकिन अब मैं जब ड्रिल करूंगा, आई एम क्रिएटिंग माय ओन सॉकेट। आई एम फॉरगेटिंग अबाउट दिस होल। जब मैं अंदर ड्रिल करूंगा इसके, तो मैं इधर आ जाऊंगा एंड दिस इवेंचुअली वुड हील विद लॉट ऑफ बोन। And I'm going to change the angulation of my implant because I'm thinking in terms of the prosthesis.
I want my crown to be as straight as possible. I would not like the pressure which would create a lot of stresses on the implant. Because a lot of stresses would mean chances of failure would be high. This is a technical question. मैंने मुझे लगता है कराची में implant लगाते हैं 22 years हो गए. I have used 3 or 4 towns. मैं बहुत ज़्यादा shift नहीं करता. ये वैसे भी मेरी nature एक चीज़ adopt कर ले रहा हूँ and I just keep using it. मुझे लोग कहते हैं आप दूसरा क्यों नहीं करते, तीसरा क्यों नहीं करते, चौथा क्यों नहीं करते, बस I just keep using it. उसका मुझे एडवांटेज क्या होता है, देन आई अंडरस्टैंड दैट इम्प्लांट दैट कंपनी इन एंड आउट. मुझे उसका हर स्ट्रक्चर के बारे में पता होता है, उसकी लिमिटेशन मैंने यूज की भी होती है, मुझे पता है कि ये कर सकता है ये नहीं कर सकता. कंपनी कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए, नंबर वन इट शुड बी अ गुड कंपनी, आइडियली स्पीकिंग इट शुड बी अ गुड कंपनी. नंबर टू इट शुड बी अ रिसर्च बेस्ड. मैं अब आइडियल बात कर रहा हूं कि आइडियल क्या होना चाहिए. इट शुड बी अ रिसर्च बेस्ड कंपनी. नंबर थ्री अवेलेबिलिटी. ऐसी चीज इस्तेमाल करनी चाहिए जो पाकिस्तान में अवेलेबल है. ऐसी चीज अभी हमने इम्प्लांट शुरू किए, जबरदस्त कंपनी थी 15 साल में सडनली उसका डीलर कराची से चला गया एंड वी हैड नॉट अ प्रॉब्लम. वो डीलर में और शिफ्ट हो गया, फिर कुछ ऐसे बात कराची शिफ्ट हो गया, फिर फाया हो गया. अवेलेबिलिटी वाज एन इशू. फेस मरीज को किसने करना है, हमने करना है. अगर मैं मरीज को बताऊं कि यार वो कि मैंने आपका इम्प्लांट लगाया था डीलर नहीं है, क्या कहेगा, ये उसका मसला है. अगर मुझे स्क्रू चाहिए, मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, मुझे एनालॉग चाहिए, आए आपको फेस. बार बार हमें दुबई से चीजें मंगवानी पड़ती because you have to face the patient. Availability, number and the most important is the service. Aisi company istemal karni chahiye which is very friendly to the patient. Aapki ek call pe they should come and provide you the service. They should facilitate you because at many times you would be stuck with certain component and that component may not be available. तो इम्प्लांट जब इस्तेमाल शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसकी किट भी देखनी चाहिए, उसकी प्रोस्थेटिक कंपोनेंट देखना चाहिए. मरीज किस चीज के लिए आता है हमारे पास, टूथ के लिए आता है, प्रोस्थेटिक कंपोनेंट. मरीज को उसमें इंटरेस्ट नहीं है कि उसके थ्रेड कौन से लगे हैं, उसकी कोटिंग कौन सी हुई हुई है, उसकी प्राइस कितनी, उसका कोई कंसर्न नहीं. उसका कंसर्न क्या है कि जब आप दांत लगाए तो वो बहुत अच्छा हो, एस्थेटिकली स्ट्रक्चरली फंक्शनली इट शुड बी एज अ नेचुरल टूथ. और वो कब आप प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को, जब फर्सिलिटी होती है प्रोस्थेटिक कंपोनेंट. अगर आपसे एंगल ठीक नहीं लगा इंटेंशनली एक्सीडेंटली और बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द बोन यू आर अनएबल टू प्लेस एन इम्प्लांट इन द आइडियल पोजीशन, देन यू हैव टू कॉम्पनसेट थ्रू द प्रोस्थेटिक फर्सिलिटी ऑफ द इम्प्लांट सिस्टम. अगर इम्प्लांट सिस्टम आपको वर्सिलिटी नहीं दे रहा है देन यू आर स्टक. अगर आपने बहुत डीप इम्प्लांट लगा दिया है और उसके पास जिंजिवल कॉलर ही नहीं है डिफरेंट हाइट्स का देन यू आर स्टक. बाद में जब आप इम्प्लांट लगाते हैं, जब सिलेक्शन ऑफ अबटमेंट की बात होगी, इम्प्लांट आपने डीप लगा दिया है तो जो अबटमेंट होता है अपार्टमेंट का एक हिस्सा वो होता है जिसपे क्राउन को आना होता है, एक हिस्सा वो होता है जो गम के थ्रू ट्रांसजिंजिवी होता है, ट्रांसजिंजिवी व्हिच क्रॉसेस द जिंजिवी, दिस इज कॉल्ड द जिंजिवल हाइट. तो ये जिंजिवल हाइट पास सिस्टम में बहुत अच्छी मिलती है, 5 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, और पास सिस्टम में 3 मिलीमीटर के बाद नहीं होती. अगर आपने इम्प्लांट थोड़ा सा डीप लगा दिया है देन यू आर स्टक विद द सिस्टम.
कोई और अपॉइंटमेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते, पेशेंट सामने बैठा हुआ है और आप कह रहे यार मैं क्या करूं, देन इट मींस यू आर गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज द प्रोस्टेटिक कंपोनेंट. तो हमेशा सिलेक्शन करते हुए जनरली स्पीकिंग जब रिसर्च बेस्ड इम्प्लांट सिस्टम होता है, रिसर्च बेस्ड इम्प्लांट सिस्टम होता है, तो वर्सिलिटी इन द प्रोस्टेटिक कंपोनेंट इज हायर. तो आपको ऑप्शन ज्यादा मिलते हैं, जितना सिस्टम नैरो होता जाता है वो सस्ता होता जाता है. सस्ता तो होता है बट इट गिव्स यू अ लिमिटेड ऑप्शन एज फार एज वर्सिलिटी इज कंसर्न्ड. जब आप दो चार पांच छह इम्प्लांट लगा रहे हैं जब कोई मसला नहीं, लेकिन जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ते जाएंगे आपकी डिमांड इन टर्म्स ऑफ प्रोस्थेटिक कंपोनेंट वुड बी इंक्रीज. हर तरह का पेशेंट का किसी एंगल पे लगा हुआ है, किसी एंगल पे लगा हुआ है, आपको किसी डेप्थ पे लगा हुआ है, देन यू नीड लॉट ऑफ डिमांड फ्रॉम द प्रोस्थेटिक साइड. Sir, I just want to know how is it that we decide that we are going to use a range of contouring like the fixture stress? They say generally speaking, people like to use contra angle. Contra angle ka advantage kya hai? Dentist ki jo most precious organ dentist ka kya hai? Hand. Dentist अपने हाथ की स्किल पे प्राइड लेता है. डेंटिस्ट अपने हाथ पे सारा काम करता है, कहते हैं हाथ का काम है डेंटिस्ट. तो नंबर वन, डेंटिस्ट की फिंगर्स, डेंटिस्ट का हैंड, डेंटिस्ट की नेक एंड दी आईज, ये चार बेसिक कंपोनेंट है व्हेन यू आर फोकसिंग एज अ डेंटिस्ट. व्हेन यू आर यंग यू आर ओके, बट व्हेन यू पुट इन 20 इयर्स, 30 इयर्स, 40 इयर्स, फिर आपको प्रॉब्लम पता चलता है अपने हैंड का, अपने शोल्डर का, अपने आईज का, एंड देन वो प्रॉब्लम स्टार्ट टू कम. तो डेंटिस्ट्री में इन चार चीजों का बहुत ख्याल रखना होता है एंड द बैक, क्योंकि दिस इज वन पॉइंट. तो जब तुम इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो उनके पता चलता है कि ये पांच चीजें डेंटिस्ट की खराब होती है, बैक द नेक दी शोल्डर दी एल्बो द रिस्ट fingers and the eyesight. तो वो कहते हैं यार कम से कम प्रेशर लगाओ. डेंटिस्ट भी इसकी बहुत डेलिकेट हुआ है, सारी चीजें मशीन, वो कहते हैं सारा लोड किसको दे दो, मशीन को दे दो. जो स्क्रू टाइट करते हैं, जो स्क्रू खोलते हैं, वो भी इंजन से करते हैं. हम लोग मैनुअल करते हैं बाहर के मुल्कों में, अब हर एक स्क्रू टाइट अनस्क्रूइंग इट, दे डू इट टू द इंजन. Sometimes when I'm doing it, I obviously have finger पे बहुत ज़्यादा pressure लगाना पड़ता है. यानी अगर आपको 10 implant के screw खोलने हैं, फिर बंद करने हैं, फिर impression की चीजें 10 लगानी हैं, तो like 30-40 times you have to unscrew or screw it. Imagine, so you are burdening your fingers. Ideally speaking, engine-driven you should do. Ideally, so that is what you should do. मुझे पता नहीं क्यों 30 साल से रेंज की आदत है अल्लाह ताला ने सेहत रखी हुई है, तो आई डोंट फाइंड यू इन द रेंज, बट आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि तुम लोग अपनी हैबिट इंजन ड्रिवन पे बनानी चाहिए. अपने हाथों का बहुत ख्याल रखना चाहिए, अपने शोल्डर का, अपने बैक का, आपको का ख्याल रखना चाहिए. सर जैसे आजकल मार्केट में बहुत सारे टिकट अवेलेबल हैं, जो भी कोई जर्मनी का टिकट है, फ्रांस का, नॉर्वेज, जैसे आप मोस्ट एक्सपीरियंस मैसेज फेशियल है, तो आप उसको रिकमेंड करेंगे आइडियल कंपनी है, बायोटेक और ब्रिज. अभी तुम कंपनी का नाम पूछ रहे हो उसे, जैसे आज इंप्लांट के, तो ये तो अगर पेशेंट आए तुम्हारे पास, अगर if you are suppose you are a dentist, a patient comes to you. A patient तुमसे पूछे कि आपका जो implant का brand कौन सी country का है? अगर आप उसको कहेंगे China का है, तो उसका क्या ख्याल होगा? सही होगा? सही होगा. Science, talking about psychological. Again, ये बात नहीं कर रहे हैं. I'm not saying that Chinese चीज ठीक है. I'm just saying psychologically, अगर आप patient के सामने किसी बोले कंट्री का नाम लेंगे या किसी चपटे कंट्री का नाम लेंगे, तो फर्क होगा कि नहीं होगा?
have been brought up, हमारी सोसाइटी का पार्ट है. लकी फॉर्चुनेटली हमारा पेशेंट हमसे आके पूछता नहीं है. फॉर्चुनेटली नॉर्मली पीपल डू नॉट आस्क यू ये ब्लड कौन सी कंपनी का बना है. वो कब पूछता है? जब वो फेल हो जाता है. जिस दिन आपका इम्प्लांट फेल होगा, 100 में से जब 4 इम्प्लांट फेल होंगे, वो जो 4 पेशेंट होंगे ना फेलियर वाले, वो आएंगे, वो पहले 10 को जाके बताएंगे कि यार मैंने इम्प्लांट कराया था, फेल हो गया. जो दूसरा होगा ना, वो सब पूछेगा कौन सी कंपनी का था, अब उसको पता चल गया. द पेशेंट वुड कम टू यू और पूछेगा, डॉक्टर साहब आपने, मैंने आपको इतने लाख रुपए दिए थे, आपने कौन सी कंट्री का इम्प्लांट लगाया था? अब आप उसको बताएंगे मैंने चाइनीज लगाया था. वो क्या कहेगा? मैंने आपको इतने पैसे दिए और आपने चाइनीज लगा दिया, आपने मुझे पहले ही नहीं बताया. यस, अब आप क्या कहेंगे? अब अगर आपने इस जगह पे कहा मैंने तो गोरे कंट्री का लगाया था, एटलीस्ट ही वुड नॉट टेक दैट पॉइंट ऑफ. वो कहेगा यार डॉक्टर से पहले मेरी बात समझ गया, अगर आपकी गलती होगी कम अज कम आपने कंपनी को अच्छी से माना. सो दिस इज साइकोलॉजिकल एंड I personally feel that this is also important. If you are using a lot of implants in your practice, especially the failure cases, when they come to you, they always ask the first question, aapne kaun si company lagaya. Aur agar aapne chapte rope company ka istemal kiya hua hai, then that question always comes up. That always comes up. Wo aapse pehla sawal hi puchega, main doctor saab aapko itne paise diye the aur itne paise diye the. Unless कि आपने पहले से एक्सप्लेन कर दिया उनको कि भाई देखिए मैंने इस कंट्री का मेरा ये ब्रांड है और मैं ये इस्तेमाल करता हूँ. ओके सर, सर आपने shift because people do not have time.
तो उन्होंने क्या किया, कोटिंग एंड फ्लूट्स का साइज चेंज कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, इम्प्लांट दे आर मोर एग्रेसिव व्हेन द इम्प्लांट्स आर मोर एग्रेसिव यू गेट गुड प्राइमरी स्टेबिलिटी। तो गुड प्राइमरी से आपने लगाया इम्प्लांट 30, 40, 50 न्यूटन के इम्प्लांट सेट करके अबटमेंट लगा देते हैं और क्राउन को फ्री ऑफ ऑक्लूजन रखते हैं, इंट्रा ऑक्लूजन पे क्राउन लगा के फाइनल करके पेशेंट। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट, दिस इज कॉल्ड गुड प्राइमरी स्टेबिलिटी। दूसरा, इसकी जो कोटिंग है, डिफरेंट कंपनीज हैज कम अप विद डिफरेंट कोटिंग मटेरियल्स, जैसे SLA है, वो क्या करता है, इट हेसन द ऑस्टियो इंटीग्रेशन। हर ब्रांड जो रिसर्च ब्रांड है वो क्या, अगर आप करें ना, वो कहेगा मेरा ये वाला इम्प्लांट इज वेरी एक्सपेंसिव, क्यों, क्योंकि इट हेसन द ऑस्टियो इंटीग्रेशन। और उनका क्लेम होता है कि ये 3 हफ्ते में आप इसको लोड कर सकते। सो दे आर कमिंग अप विद आइडिया विद डिफरेंट कोटिंग मटीरियल्स व्हिच दे क्लेम इज हेसनिंग द ऑस्टियो इंटीग्रेशन। छोटी सी बात मैं इसमें कर दूं, तो जब आपकी प्राइमरी स्टेबिलिटी हो जाती है, अब क्या होगा, 3-4 हफ्ते के बाद बोन की रीमॉडलिंग शुरू हो जाती है, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी एंड ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी स्टार्ट हो चुका है। तो यू द प्राइमरी स्टेबिलिटी व्हिच यू अचीव्ड इनिशियली आफ्टर 3-4 वीक्स यू आर गोइंग टू स्टार्ट लूजिंग इट, और आपके ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स नई बोन बनाना शुरू कर देंगे। दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी स्टेबिलिटी। जैसे प्राइमरी स्टेबिलिटी होती है, वो सेकेंडरी होती है। जिन पेशेंट्स में सेकेंडरी स्टेबिलिटी बन जाती है, बोन हो जाती है, दैट गोज इनटू अ सक्सेस एंड दैट इज व्हाट यू वांट। अल्टीमेटली प्राइमरी स्टेबिलिटी शुड टर्न इनटू सेकेंडरी स्टेबिलिटी। कुछ पेशेंट्स में नहीं हो पाती है, दे इम्प्लांट फेल्स। थैंक यू। Thank you.